थे। अनासक्ति की बातें बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए उन्होंने उन्हीं बातों को हाईलाइट किया। अनासक्त योग करके उन्होंने पुस्तक लिखी। किसी को भक्ति की बातें अच्छी लगी तो उन्होंने भक्ति योग के रूप में गीता को लिखा, इंटरप्रेट किया। किसी को ज्ञान की बातें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने ज्ञान योग की बातें करके लिखा उसको। किसी को कर्म योग की बातें अच्छी लगी कि हम कर्म योगी लोग हैं, हमारे लिए ये ज्ञान योग भक्ति योग की बातें प्रैक्टिकल नहीं है, कर्म योग की बात प्रैक्टिकल। उन्होंने कर्म योग को हाईलाइट किया। हर एक ने अपनी अपनी तरह से गीता के मैसेज को हाईलाइट किया और उसको समझा और उस तरह से उनका प्रचार करना शुरू किया। लेकिन गीता इसीलिए महान है क्योंकि उसी में ही सब स्तरों का समाधान प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति की मनोदशा, अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, महाभारत का समय आया तो वह इतना नर्वस हो गया, उदास हो गया, दिल शिकस्त हो गया, डिप्रेस्ड हो गया कि बार बार भगवान को विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। आज की दुनिया की यही हालत है, लोगों के माइंड्स इतने डिप्रेस्ड है, नर्वस है इतने। ऐसी मनोदशा जो होती है उसका समाधान भगवान ने अर्जुन को क्या दिया, जो उसको डिप्रेशन की स्टेट से बाहर निकाल दिया, मोटिवेट कर लिया, वो भी गीता में प्राप्त होते हैं। पारिवारिक स्थिति, कुरु परिवार के लोग थे पांडव और कौरव, और उस परिवार के अंदर मतभेद हो गया, उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में दिया हुआ है। सामाजिक स्थिति, शकुनी जैसे लोग समाज के अंदर आज भी है, उस समय तो एक ही शकुनी था, आज तो कितने शकुनी है शकुनी, हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा, है ना। तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता के अंदर है। राष्ट्रीय स्थिति, उस समय की जो राष्ट्रीय स्थिति थी उसका समाधान भी श्रीमद् भगवद गीता में है। और वैश्विक स्थिति, यानी जिसको कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर स्तर के समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलेगा। इसलिए ये महान है कि जो व्यक्ति जिस परिस्थिति से गुजर रहा हो और उसका समाधान अगर उसको चाहिए तो श्रीमद् भगवद गीता से उसको प्राप्त हो सकता है। क्योंकि आज का युग है चैलेंजेस का युग, और चैलेंजेस लोगों के सामने इतनी है, कई चैलेंजेस को तो पार कर लेते हैं लेकिन कई चैलेंजेस के समय व्यक्ति हिम्मत हारने लगता है, जैसे अर्जुन की तरह। कई युद्ध तो अकेले हाथ जीत लिए उसने, महाभारत के समय वो इतना डिप्रेस्ड हो गया, बार बार कहने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना है। जीवन भी एक संघर्ष है, हर वक्त व्यक्ति को युद्ध करते रहना पड़ता है। कई संघर्षों को तो हमने पार कर लिए जीवन में, लेकिन जीवन में कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब उस संघर्ष को पार करते समय हमारा विश्वास टूटने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, मूल्य टूटने लगते हैं, दया की हदें टूटने लगती है, और कई लोग अंदर से ऐसे टूट जाते हैं कि जो अपने जीवन का अंत करने का सोच लेते हैं, जीवन जीना नहीं चाहते हैं। उसका समाधान भी इसमें है। कोई भी परिवार के अंदर झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के झगड़े होते हैं। महाभारत का युद्ध का कारण क्या था? जमीन और जायदाद। कि जब पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया, 5 गांव की बात तो छोड़ो, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं। भावार्थ ये,
कि वो अपने दिल में उसको स्थान देना नहीं चाहता है, न सुख से रहने देना चाहता है, और अभिमान इतना जो चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को नहीं छोड़ना है। आज के समाज में क्या है, परिवारों के अंदर यही बात तो है। अगर उस एक परिवार, कुरु परिवार के लिए भगवान इस संसार पर अवतरित हो जाए तो आज तो हर परिवार की ये कहानी है, तो क्या भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, क्योंकि आज तो कई परिवारों की ये कहानी है। अगर एक परिवार के लिए वो आ सकता है तो आज इतने परिवारों के लिए क्यों नहीं आएगा? समाज के अंदर जो शकुनी जैसे पात्र, और समाज भी अंधा हो जाता है धर्म अधर्म के प्रति, कर्तव्य कर्तव्य के प्रति, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु उनके पास नहीं है। ऐसे समस्याएं जो क्रिएट होती है तो उसका समाधान भी गीता में है। राष्ट्रीय स्थिति, कि आज हर राष्ट्र को धृतराष्ट्र, यानी हर राष्ट्र को द्रुत भावना हड़प कर बैठा है, पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए सत्य की दृष्टि से जो अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो बड़ा भयानक होता है। खाली भारत की बात नहीं है, ये हर राष्ट्र की कहानी है, जहां कुर्सी का ही तो खेल होता है। आज के युग में भी हर राष्ट्र की कहानी क्या है, कुर्सी का ही तो खेल है ना। और जिसके अंदर मानसिक और आत्मिक अंधत्व है, ऐसा धृतराष्ट्र जब उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो कई प्रकार का नुकसान हो जाता है। और विश्व के अंदर भी आज ऐसी विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, जो स्वयं भगवान को अपने दिए हुए वायदे के अनुसार इस संसार में अवतरित होना पड़ता है और इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उन्हें व्यक्ति और विषयों के मोह से निकालकर योगयुक्त होने की प्रेरणा देते हैं। गीता के अंदर ये दो शब्द बार बार आते हैं, योग और युद्ध। योग और युद्ध दोनों एक दूसरे से इतने कॉन्ट्रास्टेड, इतने कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। या तो योग कर सकते हैं या तो युद्ध कर सकते हैं, दोनों एक साथ तो नहीं होगा। योग माना मन की एकाग्रता और युद्ध माना तो वायलेंस। अभी भगवान ने योग सिखाया या युद्ध सिखाया, किस चीज की प्रेरणा दी होगी भगवान ने? आपका विवेक क्या कहता है? योग की प्रेरणा दी होगी, यानी बैठ करके मन को एकाग्र करना, ध्यान लगाने की प्रेरणा दी होगी, या युद्ध करने की प्रेरणा दी होगी? या ये युद्ध फिर एक अहिंसक युद्ध, मनोयुद्ध है? मनोयुद्ध की बात है, कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है। इसीलिए दिखाते कि कुरु परिवार, और कुरु परिवार में पांडव और कौरव। पांडव माना जिसकी भगवान के साथ प्रीत बुद्धि है, और कौरव माना जिसकी भगवान से विपरीत बुद्धि है। दोनों ही भगवान से मदद मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा कि एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए आपको? और कहा कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र हाथ में नहीं उठाऊंगा। तब कहा जाता दुर्योधन ने सोचा कि अगर भगवान युद्ध करने वाले ही नहीं है तो उसको मांग कर फायदा क्या, क्योंकि विपरीत बुद्धि था। तब कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। अर्जुन की प्रीत थी भगवान के साथ, वो जानते थे कि अगर भगवान युद्ध नहीं भी करेंगे, शस्त्र नहीं भी उठाएंगे, तो भी
वो विजयी बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उसने कहा कि भगवान आप हो मेरे साथ में, सब कुछ है। और दुर्योधन ने अक्षौणी की सेना ले ली। अब सोचने की बात यह है कि अक्षौणी, एक अक्षौणी में कितने कितने लोग होते हैं पता है? एक अक्षौणी माना, हाँ, मैं एक जगह पर पढ़ रही थी सारा, अक्षौणी में कितने लोग होते हैं, तो अक्षौणी माना 47 लाख समथिंग है, माना लगभग 50 लाख माना एक अक्षौणी। अब कहा जाता कि 11 अक्षौणी कौरवों के अंदर थे, कौरव की सेना में थे, और बाकी के 7 अक्षौणी पांडवों की सेना में थे, माना 18 अक्षौणी सैनिक थे। अब 50 लाख के आसपास अगर एक अक्षौणी होता है तो 18 अक्षौणी माना कितना हो गया, हाँ, खाली 9 करोड़, कितने करोड़ हो? और वो क्या एक हरियाणा के छोटे से कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े रह सकते हैं? सोचने की बात है ना, एक छोटे से कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र शहर ही ले लो या आसपास का भी ले लो, हरियाणा ले लो, क्या हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में भी 18 अक्षौणी सैनिक खड़े रह सकते हैं? 18 अक्षौणी सैनिक नहीं, खाली इतने हाथी थे, घोड़े थे, इतने शस्त्र थे, माना कितने, कितनी जगह चाहिए? तो क्या इतने एक हरियाणा में भी खड़े रहने की क्षमता है? सोचने की बात है, हा? भावार्थ ये है जो कहा ना कि कुछ समय तक तो वो बातें चलती रही, लेकिन उसके सीक्रेट्स, यही तो सीक्रेट्स बताना है हमें, यही सीक्रेट्स तो बतानी है ना, नहीं तो सीक्रेट्स ऑफ होली गीता किसको कहेंगे? अगर सब कुछ स्पष्ट हो ही जाता हो तो सीक्रेट्स बताने की मार्जिन ही नहीं आए। और ये इतने सारे लोग, और सोचने की बात तो ये है कि अगर श्री कृष्ण के इतने सैनिक थे, अक्षौणी की सेना थी उसकी, और 18 अक्षौणी में से 11 अक्षौणी दुर्योधन ने ले लिए कि मैं, मुझे ये सेना चाहिए, पूरी पूरी सेना चाहिए। अब जो राजा हो तो उसके सैनिक किसको वफादार रहेंगे भाई? अगर उसका राजा सामने के पक्ष में है और भले राजा ने ही दे दिए हो, लेकिन क्या वो सैनिक उनके राजा के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत रखेंगे? हाँ, रखेंगे इतनी हिम्मत? किसको वफादार रहेंगे? तो ये समझ नहीं थी क्या उसको, उस वक्त दुर्योधन को भी, कि भाई जिसकी सेना में ले रहा हूँ वो सैनिक किसको वफादार रहेंगे, उस राजा को या मुझे वफादार रहेंगे? सोचने की बात है। भावार्थ ये है कि 5 पांडव और 100 कौरव और उनके साथ ये 18 अक्षौणी सेनाएं थी। अब आज की दुनिया में अगर देखें तो परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है ना। सारी दुनिया को अगर 100% लिया जाए तो इस 100% दुनिया के अंदर पांडव कितने होंगे? पांडव सिर्फ 5 है, 5%, यानी 5% लोग भगवान से प्रीत करना जानते हैं, बाकी 100% जो है वो विपरीत बुद्धि है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो ये एक परसेंटेज लिया गया है, ये सारी दुनिया कुरुक्षेत्र का मैदान है। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र पर ही तो जब धर्म का आचरण करने की बातें आती है तभी तो संघर्ष होता है। और ये संघर्ष में अक्षौणी की सेना, यानी आज दुनिया का हर व्यक्ति
जो कहा 18 अक्षौणी सेना जो थी ये सारे विश्व का पॉपुलेशन है। 18 अक्षौणी माना लगभग 800 करोड़ लोग होते हैं, लगभग 800 करोड़ लोग। अब 800 करोड़ लोग तो दुनिया का पॉपुलेशन कितना है?